दोस्तों, यूं तो ज़िंदगी कोई मौका नहीं छोड़ती हमें दुख पहुंचाने में, हमें हताश करने में, मगर क्या हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं ना। इस कहानी में हम मिलेंगे एक शोक मना रहे पिता क्रेविन से, जिसने अपनी बेटी, जो उसके लिए सब कुछ थी, को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। कहते हैं इस दुनिया में माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल दौर वही होता है जब उन्हें अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना पड़े। क्या क्रेविन अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएगा? चलिए इस प्रश्न के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी मूवी एज ऑफ डार्कनेस साल 2010 में आई थी और यह एक बेहतरीन मिस्ट्री मूवी है। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक आदमी जिसका नाम क्रेविन था, अपनी बेटी एमा को लेने एयरपोर्ट गया है। वह एक दुकान से खाने के लिए कुछ लेने जाता है और वापस लौटकर देखता है कि एमा उल्टियाँ कर रही थी। वो कहती है वो ठीक है और फिर वे दोनों घर जाते हैं। वह अपनी बेटी एमा से मिलकर बहुत खुश था। वह रात को एमा के लिए डिनर भी बनाता है। जब एमा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी तब उसकी नाक से अचानक खून बहने लगता है और फिर से वह उल्टियाँ मारने लगती है। एमा बहुत बुरी तरह रोने लगती है और डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, जैसे कि उसने पॉइजन खा लिया हो और उसे हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुँचना हो। वह क्रेविन को कहती है कि उसको कुछ बताना है। वे लोग हॉस्पिटल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं कि तभी एक आदमी क्रेविन चिल्लाता है और वे लोग पीछे मुड़ते हैं और वह आदमी गोली चला देता है। और दोस्तों, वह गोली एमा को लग जाती है और एमा वहीं मारी जाती है। एक अकेला पिता जिसका उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं था, आज बिल्कुल अकेला हो गया। वह एमा की लाश को अपने सीने से लगाकर बहुत रोता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि क्रेविन के घर पर पुलिस आई हुई है और हमें पता चलता है कि क्रेविन दरअसल एक पुलिस ऑफिसर था। पुलिस को लगता है कि क्रेविन का कोई दुश्मन उसे मारने के इरादे से आया था, मगर गलती से गोली उसकी बेटी एमा को लग गई। फिर रात को एक तौलिए से जब अपना मुंह पोंछता है तो उस पर उसकी बेटी के खून की कुछ छींटे लगी हुई थी। वह एमा की याद में उस तौलिए को संभाल कर रख लेता है। वह एमा को बहुत याद कर रहा था, इसलिए वह उसके कमरे में जाता है और उसकी चीज़ों को देखने लगता है। तभी एमा का फ़ोन बजता है और क्रेविन उसे रिसीव करता है पर कोई जवाब नहीं देता। फिर दिखाते हैं कि क्रेविन अपनी बेटी के मौत से सदमे में चला गया था। उसे हर समय बस एमा का ही ख्याल आता रहता था। अगली सुबह क्रेविन पुलिस हेडक्वार्टर्स जाता है और उन्हें एमा के फ़ोन से कॉन्टैक्ट नंबर्स मंगवाता है। उसके सीनियर ऑफिसर उसे छुट्टी पर जाने को कहते हैं, मगर वह कहता है कि वह खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। वह उस डॉक्टर से मिलने जाता है जिसने एमा का पोस्टमार्टम किया था। वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि मौत की वजह गोली ही है। क्रेविन उनसे एक कैंची मांगता है और एमा के कुछ बाल काट कर लाता है, जिससे वह संभाल कर रख लेता है। फिर दिखाते हैं कि क्रेविन एमा की अस्थियों को बीच पर विसर्जित करने जाता है। घर लौटकर वह एमा का बैग चेक करता है और उसे वहाँ से एमा का कंपनी आई कार्ड मिलता है। हमें पता चलता है कि एमा नॉर्थमूर कंपनी में काम करती थी। उसे उसके रूम के ड्रॉअर में से एक गन भी मिलती है। उसे अब ऐसा लगता है कि कोई तो था जो उसकी बेटी के पीछे था। उस गन के सीरियल नंबर से उसे पता चलता है कि वह गन किसी डेविड नाम के इंसान के नाम पर रजिस्टर्ड है। वह डेविड का एड्रेस पता करवाता है और उससे मिलने जाता है। डेविड दरअसल एमा का बॉयफ्रेंड था। वह डेविड से पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को गन क्यों दी, क्या कोई उसके पीछे था? डेविड उसे कुछ भी कहने से मना कर देता है क्योंकि उस पर भी कोई नज़र रख रहा था। वह एमा का कुछ सामान देकर क्रेविन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। दरअसल डेविड और एमा एक ही कंपनी नॉर्थमूर में काम करते थे। जाने से पहले क्रेविन डेविड को अपना कार्ड देकर जाता है जिससे वह ज़रूरत पड़ने पर उसे कॉल कर सके। अगले सीन में क्रेविन एमा के घर जाता है। वह खुद से कहता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरी बेटी को गन की ज़रूरत पड़ी। क्रेविन को एक मशीन मिलती है
जो एक स्कैनर जैसा लग रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि एमा के बाल रेडियो एक्टिव है। एक वकील जेडबर्ग को उसका खबरी बताता है कि नॉर्थमूर सिर्फ दिखाने के लिए एक रिसर्च कंपनी थी जिसका हेड जैक बेनेट था, मगर वह गैर कानूनी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु बम बना रहे थे और इसका पता शायद एमा को चल गया था। लेकिन पुलिस समझ रही थी कि एमा की हत्या उसके पिता के किसी दुश्मन ने की थी। अगले सीन में क्रेवन एमा के फ़ोन में मिले नंबर्स को डायल करता है। उसे वहाँ मेलिसा का फ़ोन नंबर मिलता है और क्रेवन उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन क्रेवन जैक बेनेट से मिलने जाता है। जैक उसे बताता है कि नॉर्थमूर में कोई गैरकानूनी काम नहीं होता, वहाँ वे लोग वही रिसर्च करते थे जिन्हें सरकार से परमिशन मिलता था। अगले सीन में दिखाते हैं कि क्रेवन एमा के कपड़ों को अपने घर के पीछे वाले आंगन में जला रहा था। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे वहाँ जेडबर्ग मिलता है। वह क्रेवन को बताता है कि उसकी बेटी एमा एक टेररिस्ट थी। ये सुनकर क्रेवन दंग रह जाता है। वह क्रेवन को 3 लाशों की फोटोज दिखाता है और कहता है कि इन तीनों ने नॉर्थमूर में चोरी छिपे घुसकर नॉर्थमूर के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी और वहां से भागते वक्त उनकी मौत हो गई। वह कहता है कि नॉर्थमूर में कुछ तो गड़बड़ है। जेडबर्ग आगे बताता है कि एमा के घर से उसका कंप्यूटर गायब था। क्रेवन कहता है कि मैं मान नहीं सकता कि मेरी बेटी नॉर्थमूर से मिली हुई थी। जेडबर्ग कहता है कि एमा भी इन तीन लोगों के साथ नॉर्थमूर से जानकारी चुराने गई थी, मगर वह किसी तरह बच गई और भागकर घर आ गई। क्रेवन कहता है कि उसकी बेटी एमा उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वह कुछ भी बताती, उसकी हत्या हो गई। अगले सीन में क्रेवन एमा की बॉयफ्रेंड डेविड से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या एमा उन लोगों के साथ मिली हुई थी। डेविड उसे बताता है कि एमा ने नॉर्थमूर में हो रहे गैरकानूनी कामों के बारे में सरकार को भी बताने की कोशिश की। उसने एक सेनेटर मंत्री जिसका नाम पाइन था, उसे भी खत लिखा। अब हमें पता चलता है कि एमा दरअसल नॉर्थमूर में हो रहे गैरकानूनी कामों का खुलासा करना चाहती थी। क्रेवन को डेविड बताता है कि रिसर्च के दौरान एमा रेडिएशन के संपर्क में नहीं आई थी और क्रेवन डेविड को उसकी गन वापस कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एमा के बॉयफ्रेंड डेविड की सर पर गोली लगने से मौत हो जाती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि क्रेवन और जेडबर्ग के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे उसे बताता है कि ज़रूर एमा के दोस्तों ने ही ऐसा कुछ किया जिससे वह रेडिएशन के संपर्क में आ गई। मैं इसका खुलासा करके रहूँगा। अगले सीन में क्रेवन मिस्टर सैंडरमैन से मिलने जाता है। वह एक वकील था और एमा ने उसे नॉर्थमूर के बारे में बताया था, मगर वह नॉर्थमूर का कंपनी लॉयर होने की वजह से इस बात को बाहर नहीं आने देता। जब क्रेवन उससे इस बारे में पूछता है, वह साफ इनकार कर देता है। अगले सीन में मेलिसा क्रेवन से मिलने आती है। मेलिसा उसे बताती है कि नॉर्थमूर के मालिक जैक बेनेट को एमा के ऊपर शक हो गया था। एमा को तो ये भी लग रहा था कि उन्होंने उसे जहर दे दिया है। वह कहती है कि मेरा एक 3 साल का बच्चा है, अगर मैंने आपको इससे ज़्यादा कुछ भी बताया तो मुझे मेरी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगती है, मगर जाने से पहले वह क्रेवन को एक एनवलप देती है और जाने लगती है कि तभी एक गाड़ी उसका एक्सीडेंट कर देती है। इस गाड़ी को क्रेवन ने नॉर्थमूर के सामने खड़ा देखा था। इसका मतलब यह था कि जैक बेनेट ने ही जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करवाया था। वह गाड़ी क्रेवन का भी एक्सीडेंट करने वाली थी कि क्रेवन अपनी गन से गोली चलाकर गाड़ी के ड्राइवर को मार देता है और गाड़ी नदी में जाकर गिर जाती है। क्रेवन मेलिसा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और दोस्तों इस एक्सीडेंट की वजह से मेलिसा को अपना एक पाँव खोना पड़ा। क्रेवन गाड़ी में उस एनवलप को खोलता है जो मेलिसा ने उसे दिया था। उसमें एक सीडी थी जिसे चलाने के बाद उसे एमा का एक वीडियो मिलता है। एमा उस वीडियो में नॉर्थमूर में गैरकानूनी तरीके से बन रहे न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करती है। अब क्रेवन को पता चल गया था कि एमा की हत्या क्यों हुई थी। अगले सीन में क्रेवन को पता चलता है कि एमा को जहर दूध में मिलाकर दिया गया था। फिर वह सेनेटर पाइन से मिलने जाता है।
क्रेवन उसे बताता है कि उसे नॉर्थमूर के सारे राज पता है। वह उसे इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाने की बात करके वहां से चला जाता है। एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम बिल था क्रेवन के घर आता है। बिल दरअसल उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तभी नॉर्थमूर के गुंडे वहां आ जाते हैं और क्रेवन को बेहोश करके उसे एम्बुलेंस में नॉर्थमूर ले जाते हैं। वे लोग उसे एक कमरे में कैद करके रखते हैं मगर वह वहां से भाग निकलता है। फिर दिखाते हैं कि घर पर क्रेवन की तबीयत खराब हो जाती है और वह बार बार उल्टी मारता रहता है। वह जान जाता है कि उसके पास समय बहुत कम है। वह अपनी गन लेकर जैक बेनेट को मारने के लिए निकल पड़ता है। वह उसके खास आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे चिल्लाकर उसका नाम क्रेवन पुकारने के लिए कहता है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि एमा के कातिल ने भी क्रेवन चिल्लाकर कहा था और अब क्रेवन उसकी आवाज़ से पहचान लेता है कि वही एमा का कातिल है। वह उसे गोली मार देता है। तभी जैक और क्रेवन एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं जिससे दोनों घायल हो जाते हैं। क्रेवन ज़बरदस्ती जैक को वही जहरीला दूध पिला देता है जिसे उसने भी पिया था और वह जानता था कि वह कुछ ही समय में मरने वाला था। जैक वहां से भागकर अपने कमरे में जाता है और एक दवाई ढूंढने लगता है जो उसके जहर का काट था, एंटीडोट था। तभी वहां क्रेवन आ जाता है और उसे गोली मार देता है। अगले सीन में जेडबर्ग सेनेटर पाइन से मिलता है और पाइन उसे कहता है कि उन्हें इस कहानी को दुनिया के सामने ऐसा दिखाना पड़ेगा कि एमा एक टेररिस्ट थी और उसने अपने ही पिता को जहर दिया था। ये सुनकर जेडबर्ग गुस्से में आ जाता है और सेनेटर पाइन को गोली मार देता है। तभी वहां उसका सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और जेडबर्ग उससे पूछता है, क्या तुम्हारा बच्चा है? वह कहता है हाँ, और जेडबर्ग उसे उसके सीने में गोली चलाने देता है। दोस्तों, जेडबर्ग की कोई औलाद नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि वह एक पिता को अपने बच्चे से दूर करे, इसलिए वह खुद पर उसे गोली चलाने देता है। फिल्म के आखिरी सीन में क्रेवन को हॉस्पिटल में मरता हुआ दिखाया जाता है जहाँ उसे एमा दिखती है और उन दोनों को हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, ये दरअसल उन दोनों की आत्मा थी जिन्हें एक रोशनी की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्रेवन भी मर चुका था, जिसकी मौत की वजह वह जहर था जिसे उसके दोस्त बिल ने उनके फ्रिज में रखी दूध की बोतल में मिला दिया था। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।